आदरणीय सुखदेव कहते हैं राजन सुनो कि आज का जीव भगवान को याद कब करता है, जब उसके ऊपर कोई विपत्ति आती है, दुख आता है, तब तभी भगवान नजर आते हैं, तभी धाम नजर आते हैं, तभी मंदिर नजर आता है, तभी ज्योतिषों के पास जाते हैं, तभी गुरु के पास जाते हैं, तभी संत के पास जाते हैं। प्रभु कोई संकट आ गया है, बचा लीजिए, कोई मार्ग बता दीजिए, कोई संकट में कोई विपत्ति में आप भगवान को याद करते हैं, आप संत को याद करते हैं, सुख में तो याद नहीं करते। अगर आपके यहां सुख है और सुख में भगवान की आराधना साधना की जा रही है तो आपके घर में दुख नहीं आएगा। दुख तो तभी आता है ना जब सुख में आप फूल जाते हो कि मन फूला फूला फिरे जगत में। आगे क्या है? मन फूला फूला फिरे जगत में, दो दिन की जिंदगानी रहे। कई बार तो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और कई बार बहुत मायूस हो जाता है। आपके साथ होता है क्या? ऐसा होता है? बहुत प्रसन्न हो जाते होंगे, बहुत अचानक कई बार, और कई बार अचानक मायूस हो जाते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, आज हमारा मन नहीं लग रहा, आज किसी से बोलने का मन नहीं कर रहा, ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपने को आप अकेला फील करते हैं। आपसे किसी का झगड़ा हो जाए आप अपने आप को बहुत दुखी कर लेते हैं, उनसे भी झगड़ा हो गया, वही तो हमारे थे, उनसे भी झगड़ा हो गया, अब क्या करें? नहीं, जो जगत का साथी है, जो जगत का मित्र है, जो हर समय तेरे साथ रहता है, उसे तू भूल गया? तूने उसने अपना अपना बनाया नहीं? तब वो मन में मायूसी आती है, तभी उदासी आती है, तभी परेशान होता है, तभी अकेलापन फील होता है, अपने आप को बड़ा कभी मत कहना। जिसको अभिमान होता है वही कहता अहम ब्रह्मास्मि द्वितीय ब्रह्मनास्ति, हमारे बराबर को दुनिया में है ही नहीं। नहीं, एक बार एक ऊंट गाड़ी में जा रहा था, ऊंट गाड़ी जब जा रही थी तो ऊंट गाड़ी के नीचे कुत्ता आ गया। अब कुत्ते को लगा इतने बड़े ऊंट को मैं ही ढोके चल रहा हूं और ये गाड़ी मैं ही लेके जा रहा हूं। ऊंट का पैर कुत्ते में पड़ा और वो काहू 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 करता भाग गया और निकल गया, सारा अकड़ भूल गया। उसके बाद में ऊंट जा रहा था पहाड़ों के रास्ते से, ऊंट को लगा के देख मेरे से ऊंचा कौन है। ऊंट उस पहाड़ की टक्कर में टकराया पाषाण से और नीचे गिर गया। तब ऊंट को एहसास हुआ वास्तव में मेरे से बड़ा तो ये पहाड़ ही है जिसने मुझे टकरा दिया, मुझे गिरा दिया। ध्यान देना देवी और सज्जनों, वृक्ष के पत्ते की जो शोभा है, वृक्ष के पत्ते की जो शोभा है ना, वो वृक्ष से ही है। वृक्ष के बिना डाली का पत्ता सूख जाता है। अगर वृक्ष में पत्ता है तो शोभा है, और पत्थर अगर पहाड़ से बाहर निकल जाए तो शोभा फीकी हो जाती है। पत्थर की शोभा उस पहाड़ के चिपकने से ही है। पत्थर भी पहाड़ तभी कहलाएगा जब वो
पाषाण में उस पर्वत में चिपका रहेगा, उस पत्थर से चिपका रहेगा, अलग हो गया तो पाषाण नहीं कहलाएगा, वो पत्थर कहलाएगा। पत्थर की शोभा पहाड़ से है और इंसान की शोभा सत्संग से है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उसका मनुष्य जीवन धन्य नहीं है। सत्संग के बिना मेरा मन न लगे, जिसका मन सत्संग के बिना न लगे उसका वास्तव में उसके अंदर भक्ति के अंकुर जगने लगते हैं धीरे धीरे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।